आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस वाले वीडियो में आपने 20 मिलियन व्यूज दिए थे। सो उस वीडियो की वजह से मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़े। सो उस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि वो प्लेट मुझसे गलती से टूट गई थी और मैं अपनी मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए वो प्लेट में एकदम क्राफ्ट कर रही थी। तो मेरी मम्मी तो खुश तो हुई, पर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे। चलो आप सबको बताता हूं कि ये प्लेट टूटी किससे। ये प्लेट मेरी मम्मी से टूटी है। इस बार उनसे गलती टूटी, क्योंकि ये प्लेट ऊपर कबर्ड में रखी थी और इसके ऊपर ना बहुत हैवी मतलब सामान रखे थे, जैसे कोई कांच का ग्लास, कोई हैवी चीज रखी थी और वो गलती से नीचे गिर गई और इसका जो प्लेट है इसके कॉर्नर साइड का वो टूट गया। बोलते कि बेटा ऐसा कुछ तुम बना दो। सो मैं तो बहुत खुश रहा था क्योंकि आपने उस वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया था। काश इस वीडियो पे भी उतना ही हो। काश। सो मैं बैठ के ना बहुत सोची कि मैं इस प्लेट पे ऐसा क्या करूं जो आप लोगों को भी पसंद आए, और मैं क्राफ्ट से बहुत बोर हो गई थी। मैं सोची इस बार मुझे क्राफ्ट करना ही नहीं है, इस बार मुझे कुछ ड्रॉइंग जैसा करना है। तो ये जो आप कलर देख रही है पूरा एक्रेलिक कलर ही यूज कर रही हूँ मैं। मैंने ऑनलाइन से कुछ चीज परचेस की थी और मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सब कर लिया, क्योंकि वो इसके बहुत यूज आने वाला है और वो कब से रखा है मैंने कबर्ड में ऐसे ही। सोची वो भी यूज हो जाएगा और इस प्लेट को डेकोरेट भी कर देंगे। सो इस प्लेट को आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे अपनी बालकनी में। बालकनी में भी बहुत अच्छा दिखेगा और आपकी बालकनी बहुत सुंदर लगेगी। और आप इसको घर के बाहर भी रख सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा कोई पॉट या फिर कोई बहुत ही सुंदर सा दिया इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके ऊपर रख के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना सुंदर लगेगा घर के बाहर, और सब देखेंगे तो बोलेंगे आपने ये प्लेट कहाँ से खरीदी। सो ये प्लेट तो वैसे बहुत ही सुंदर बनी है। सो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो हमारी प्लेट ही एकदम रेडी, पर इसके अभी फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग से ये बहुत ही सुंदर लगेगा। सो मैंने ऑनलाइन जो परचेस किया था ना, वो इतने सारे मिरर्स थे, ये मुझे सारे मिरर्स 300 के पड़े और उसमें सारे शेप से अलग अलग। सो आप जो ये बीच में जो ये बीट्स देख रहे हैं, तो आप अगर आपके पास ये नहीं तो आप बीच में कुछ सुंदर सा कोई डिजाइन भी बना सकते हैं या कोई स्टिक भी कर सकते। सो इसका फाइनल लुक आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।